वेलकम फ्रेंड्स, और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर सिटी। हाय फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और हमारा बस है उदयपुर के लिए 7:15 का, और ये बस आपको मिलेगा नमस्ते सर्किल। देखिए, ये आपको हाथ जोड़ के एक स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये नमस्ते सर्किल उसको बोलते हैं। और हमने हमारा जो बुक का ट्रेवल्स का नाम है वो है श्रीनाथ सोलिटरी ट्रेवल्स। फ्रेंड्स, ये बस आपको 4 to 5 hours में उदयपुर ले जाएगी। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपको डे वन में जब आप पहुंच जाएंगे क्या देखना है, तो गूगल मैप पर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब आप उदयपुर पहुंच जाएं तो आपको सबसे पहले जो होटल बुक कराना है वो आपको ये जो मोस्ट फेमस प्लेसेज हैं, जगदीश टेम्पल, बागोर की हवेली और सिटी पैलेस, इसके आसपास ही कोई होटल आप बुक कराइए। मैंने कराया था होटल द रॉयल लेक विला व्यू, आप देख सकते हैं, और ये लेक के पास है। ब्लू कलर का ये जो मैप में दिख रहा है ये लेक है, यहाँ से आपको लेक व्यू मिलता है और यही मेन मार्केट है यहाँ पे आपको। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पास में रहेंगी, आपको इवनिंग जब आप करेंगे वॉक और आप घूमेंगे तो आपको मार्केट पास में रहेगा। तो अभी बात करते हैं डे वन का, आपका जो प्लान है क्या रहना चाहिए। तो डे वन में आप स्टार्ट करिए जगदीश टेम्पल से, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हैं और आप फ़ोटो शूट करिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है, देखिए। और हम लोग जब गए थे, जब मकर संक्रांति था, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह हो रहे थे। और उसके बाद जो प्लेस है वो है सिटी पैलेस, ये आप देखते हैं जगदीश टेम्पल और फिर सिटी पैलेस। वो सिटी पैलेस जो राजा का पैलेस है जो आप देख सकते हैं, ये जगदीश टेम्पल से 500 मीटर पर है। तो आपको कोई ऑटो वगैरह नहीं करना, और सिटी पैलेस का टिकट लेने के बाद आपको 4 to 5 hours लगेंगे। तो मान के चलिए, पानी लेके चलिए अपने साथ, और 4 to 5 hours क्योंकि बहुत बड़ा है पैलेस, आराम से इसको देखिए, जल्दी जल्दी मत करिए। और काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। वहाँ से आपको टॉप व्यू मिलेगा लेक देखने का भी, और इसमें काफ़ी सारे रूम हैं। और अगर आप ग्रुप में हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोई गाइड हायर करिए, क्योंकि जब आप हर रूम को विजिट करते हैं वो आपको बताएगा कि रूम का हिस्ट्री क्या था, वहाँ पर राजा क्या करते थे उस रूम में। और अगर आप कपल हैं या सोलो ट्रैवलर हैं और गाइड नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर एक ऑडियो डिवाइस मिलता है, उस ऑडियो डिवाइस में हर रूम के नंबर दिए होते हैं, और जिस रूम में आप जाते हैं उस रूम नंबर को आपको प्रेस करके उसके बारे में ऑडियो सुन सकते हैं। तो ये दो सॉल्यूशन है, आप पूरा इसको विजिट करिए। और जब आप 5 to 4 to 5 6 hours यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो फिर आप दोपहर का खाना है वो ले सकते हैं 3-4 बजे जो भी है। और उसके बाद इवनिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट लेके थर्ड जो प्लेस है वो है बागोर की हवेली। तो ये भी पास में ही है, 1 किलोमीटर है, आप वॉक करके जा सकते हैं वहाँ से। और क्योंकि ये प्लेस भी काफ़ी क्राउडी है तो बेटर है आप ऑटो वोटो ना करें, वॉक करके जाएं, किसी से पूछ लें, थोड़ा सा बता देगा सजेस्ट करके। मेन रोड पर ही है बागोर की हवेली। में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ये प्लेस जो है ये यहाँ पर प्रोग्राम होता है, इवनिंग शो, डांस शो है, लेकिन ये फोक डांस शो है। जो पुराने डांस थे, घूमर, ताराकली, कठपुतली डांस, उसके लिए ये बागोर की हवेली फेमस है। और ये थर्ड मस्ट विजिटिंग प्लेस है जो आपको देखना ही है। और यहाँ पे 6:30 इवनिंग से टिकट मिलना स्टार्ट होता है और 7 PM से शो चालू हो जाता है, जो 1 घंटे का ऑलमोस्ट रहता है। तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा, और इसका टिकट 100 रुपीज़ है। तो आपको ये प्लेस देखना है। यहाँ पे म्यूजियम भी है, तो अगर आप थोड़ा जल्दी पहुँचते हैं 5 o'clock तो म्यूजियम देख सकते हैं वहाँ पे, वो भी अच्छा है। तो ये आपका डे वन का प्लान रहेगा। डे टू के प्लान के लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैं बताऊँगा कि आपका डे टू का जो ट्रिप प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए। तो आप इसको वॉच करिए। फ्रेंड्स, हम लोग जगदीश टेम्पल आ चुके हैं, वो भी फेमस टेम्पल है, और इसके पास ही आपका सिटी पैलेस है।
यहाँ पे हमको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, आप देख सकते हैं। चलो देखते हैं अंदर से कैसा है। जगदीश टेम्पल को 1651 से बनवाया गया था और जब से ही यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती रही है, और आप देखेंगे कि कितनी बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है पत्थरों के ऊपर। और ये मेन तौर से भगवान शिव और शनिदेव के लिए है, और यहाँ पे पूजा अर्चना होती रहती है हर टाइम पे। हाँ भैया, क्या चाहिए, क्या लो? क्या भेजो भैया? सब्जी। अरे भाई, पूरी इधर ला भाई, पूरी ला इधर। बच्चा के फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कांद्रा। ओके कांद्रा, एंड ही इज विद मी इन दिस टेंपल, जगदीश टेंपल। वी आर इन उदयपुर एंड टुडे वी आर ईटिंग फ्री लंच, फ्री मील फ्रॉम द टेंपल साइड, सो यू कैन सी। And my family is also eating. So how did you find India, and how long you are here? I'm here for like 10 days. 10 days? Yeah. Oh, great. And I really love India. It's very nice. The people is very good. Mm-hmm. And then the food is also nice. So have you seen that city palace? Yeah, city palace is very nice. Okay, we are going to city palace to visit there. Yeah, it's very nice, but it's very bit expensive, the entrance. And if I will come to Indonesia, will you host me? Of course. This time I can ask because he cannot deny. Friends, यहाँ से हमने सिटी पैलेस के लिए टिकट लिया है, 300, काफी कॉस्टली है, तो दोनों का 600 रुपए का पड़ा है। और यहाँ पे बोटिंग होता है, लेकिन बोटिंग के लिए यहाँ पे वहीं पे आके टिकट लेना पड़ेगा, और शाम को 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो बोटिंग के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 3 आवर्स तो हमको सिटी पैलेस में लग जाएंगे, तो कल हम करेंगे। प्रॉब्लम ये है, ऑनलाइन भी नहीं होता है, और कल ही आना पड़ेगा इधर। कल के लिए भी टिकट नहीं मिलता एडवांस में बोटिंग के लिए, तो कल ही आना पड़ेगा। थैंक यू। सिटी पैलेस क्योंकि प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं करती है, इसीलिए इसका टिकट काफ़ी हाई है, 300। और ये थोड़ा हाइट पे है, आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन क्योंकि प्राइवेट है इसलिए बहुत क्लीन है और वेल मेंटेन भी है, तो आपको अच्छा लगेगा। और जब आप इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे, तो आपको एक फीलिंग आना स्टार्ट होगी जो पैलेस का है, और हर चीज़ क्लीन और साफ़ है। और ये पार्किंग है प्राइवेट गाड़ियों के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी नहीं ले जाते क्योंकि पार्किंग काफ़ी कॉस्टली है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी प्लेस मैंने आपको बताए आप उनको वॉक करके ही विजिट करें। पार्किंग काफ़ी कॉस्टली है, 200-300 इस तरह से, और आर्स के हिसाब से है। जो आप देखेंगे बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा, बाहर से इसका व्यू बहुत अच्छा है। और देखते हैं, इसका मेन गेट आगे पहुँच के है, काफ़ी बड़ा गेट है, तो मेन गेट पर पहुँच के देखते हैं। सिटी पैलेस के गेट के बिल्कुल सामने आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है एकदम से गेट, और चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये सूरज कुंड गेट है, आप देख सकते हैं, ये पीछे से गाड़ी टिक 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 टिक। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, खाना भी खा सकते हैं, काफी अच्छा है व्यू।
अंदर प्रमाइसिस में आ चुके हैं फ्रेंड्स सिटी पैलेस के, और ये मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के लिए, इसमें हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, इंग्लिश ही है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू यहाँ पे, और यहाँ पे हॉर्स रखे गए हैं इनके लिए, और ये पीछे का दिस इज वन ऑफ द रूम ऑफ द पैलेस, और आप देखेंगे कितना अच्छी तरह से यहाँ पे पेंट किया गया है, कारीगरी की गई है। और ये बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बीच में ये जगह है ओपन प्लेस, और ये देखिए यहाँ पे जो वर्क किया गया है कांच का और स्टोन का, वो बहुत ही अद्भुत है। ये मोर देखिए, और इस तरह का काफ़ी चीज़ आपको देखने मिलेगा। तो पैलेस में आप जब जाएंगे तो आप वाटर बोतल कैरी करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और 4 to 5 hours लगेंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। इस रूम का नाम माणक महल दिया गया है, माणक मतलब कांच। तो इस रूम में जितना भी वर्क है वो कांच का है, और इसीलिए इस रूम में अंदर जाना अलाउ नहीं है, आप बाहर से ही विजिट कर सकते हैं। मेरे पास सेल्फी स्टिक था, इसलिए मैंने अंदर से ये पूरा कैप्चर किया आपके लिए। तो आप देख सकते हैं बाहर से ही आप इसको देख पाएंगे, अंदर पूरा कांच का वर्क है और इसलिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये एक दूसरा नाम है जिसका नाम है भोपाल विलास, और इसको देख के आपको पुराना मूवी का कुछ याद आएगा, जहाँ पे राजा महाराजा संगीत सुना करते थे, उनके जो गीतकार थे संगीतकार थे, और जो वीणा वादन करते थे, एक महफिल टाइप से जमता था, उस तरह का पूरा फीलिंग इस रूम को देखने के बाद मुझे तो आया। तो आप देखिए इसको, पैलेस के इस भाग में मॉडल बनाए गए हैं, जो भी सिटी पैलेस है और उसके आसपास का जो भी एरिया है, लेक है, वो पूरा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। और जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि आपको किस तरह से इसका टॉप व्यू दिखेगा, और किस तरह से आसपास की चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, और एरिया के बारे में, उदयपुर के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको इसको देखने के लिए। एक रूम और है जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, और आप देखेंगे कितना क्लीन है और कितनी साफ़ सफाई है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है, और इसीलिए इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है, बट अच्छा है, क्लीन है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह से रखी गई हैं। और आगे चलने पर आपको पिक्चर गैलरी आएगा, जहाँ पर उनके जो राजा महाराज थे, उनके वंशज थे, और किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश आगे बढ़ा, उन सारे राजा महाराजाओं की डिटेल्स और उनके नाम, उनकी पिक्चर दी गई है। और उस ज़माने में कोई कैमरा नहीं था,
तो पेंटिंग ही एक माध्यम था उस ज़माने की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। तो ये सारी जो पेंटिंग है आप देख सकते हैं, कुछ हाथ से बनाई गई है और कुछ फोटोग्राफ है जो पुराने ज़माने में ली गई है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। पैलेस के इस कमरे में, या आप बोल सकते हैं इस भाग में, उस ज़माने के क्लॉथ्स, जो पहनावा था, वेशभूषा थी, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो उस ज़माने की अभी तक पूरी अच्छी तरह से रखी गई है। और आप देखेंगे काफ़ी शाही ये पोशाकें हैं जो राजा महाराज पहना करते थे। काफ़ी बारीक हाथ का काम जो आजकल देखने नहीं मिलता है वो है। यहाँ पर शॉलें हैं, उनके कुर्ते हैं और उनके सूट हैं, चेयर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के आपको पता पड़ेगा कि राजा महाराजाओं की किस तरह की शान शौकत हुआ करती थी और कितना हैवी वर्क वो लोग करवाते थे पहनने के लिए, जो आजकल मुश्किल है। और उनके बच्चों के कपड़े भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बागोर की हवेली कवर करूँगा। और आप देख सकते हैं बागोर की हवेली में किस तरह से फोक डांस होता है और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी।